कल हमने आपको अंग्रेजी विषय में ग्रामर का टॉपिक एक्टिव पैसिव का अध्ययन कराया था। आज उसी क्रम के तहत हम आगे उन्हीं का अभ्यास करेंगे और आगे जो विभिन्न प्रकार के वाक्य हैं उनको बनाना सीखेंगे। कलम ने सामान्य साधारण वाक्यों का को बनाने का नियम सीखे थे और उसी के तहत हम आपको अभी एक दो वाक्य उसके बनाने के लिए दे रहे हैं जिन्हें आप बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे माई ब्रदर विल हेल्प माई फ्रेंड, कल के नियम के अनुसार आपको वाक्य पहचानना है। वाक्य को पहचानने में कभी कभी बच्चे गलतियां ये करते हैं कि जो मूल कर्ता होता है उसे नहीं पहचान पाते। रियल में वो केवल माई या ब्रदर, इन दोनों का अलग अलग इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि वास्तविक रूप से जो ये माई शब्द है यह एक पजेजिव पजेजिव है और इस पजेजिव में ये संबंध बता रहा है ब्रदर का किसके साथ, मेरे साथ। तो वाक्य में पूरी तरह से मेरा भाई ही कर्ता माना जाएगा। उसी प्रकार इस वाक्य में जो कर्म है वह भी माई फ्रेंड बताया जा रहा है। इसीलिए इन इस वाक्य में जो पूरा जो कर्म माना जाएगा वह पूरा माई फ्रेंड ही माना जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नियम के अनुसार जो आपको कल बताया गया था, वाक्य में कर्म को कर्ता बनाना है, आपको माई पजेजिव है इसीलिए इसे बदलना नहीं है। माई फ्रेंड सूत्र के अनुसार जो आपको फॉर्मूला था उसके अनुसार वाक्य में आने वाली सहायक क्रिया, वाक्य में आने वाली सहायक क्रिया आपके सामने वेल। फॉर्मूले के अनुसार सहायक क्रिया के बाद वाक्य में सारणी की सहायक क्रिया, सारणी की सहायक क्रिया के लिए आप काल चार्ट वाली सहायक क्रिया उसे देखेंगे, वहां पर आपको दिखाई देगा जहां जितने भी मॉडल शब्द हैं उन सब मॉडल शब्दों के साथ क्रिया वी का प्रयोग किया जाता है, विल विल के साथ भी। आगे वाक्य में सहायक क्रिया के साथ बी लग गया, उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म। वाक्य आगे बाई, उसके बाद कर्ता को कर्म बनाना है और वाक्य का जो मूल कर्ता है वह माई ब्रदर है और इसको यो कहते हैं उतार दिया जाएगा तो माई ब्रदर।
फर्स्ट को चेंज नहीं किया जाता है, कर्म को ही कर्ता बनाया जाता है। सी फर्स्ट को परिवर्तित नहीं किया जाता है। बाकी आपका बनकर तैयार हो जाएगा, माई फ्रेंड विल बी हेल्प बाई माई ब्रदर। आगे वाक्य, अब कुछ वाक्य ऐसे जो किसी प्रपोजिशन या कभी कभी डिटरमाइनर से भी जुड़े हुए मिल जाते हैं। जैसे वाक्य सी कुकड़ फूड फॉर मी। वाक्य को पहचान करेंगे तो वाक्य में कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, ये शेष के अंतर्गत व्यक्त किया जाएगा। अतः वाक्य को बनाते समय कर्म को कर्ता, वाक्य की सही क्रिया, वाक्य में सही क्रिया नहीं है इसके लिए फिर आगे सारणी की सही क्रिया, मुख्य क्रिया को देखा जाएगा। सेकंड फॉर्म होने पर सही क्रिया वाद्यवाद, कर्ता एक वचन है इसलिए सही क्रिया भी एक वचन। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक समान होती है इसकी। देखो भाई, हर कर्ता को कर्म बनाएंगे, हर से इसको लगा दिया जाएगा। इस वाक्य को अपने हम जो शेष शब्द हैं, यदि किसी भी प्रपोजिशन शब्द आदि से जुड़ा हुए शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम जो दूसरा जिसे हम बाई से पहले भी लगा सकते हैं। जैसे फूड वाज कोकड़ फॉर मी बाई हाथ। ऐसे वाक्य जिनमें पॉजिटिव लगा हुआ है, वह वाक्य आपके सामने, ऐसा वाक्य जहां प्रपोजिशन जैसे शब्द से कोई भी आगे वाक्य को बढ़ाया हुआ है, अब ऐसा वाक्य जो नकारात्मक भी है और साथ ही साथ किसी भी विशेषता को लिए हुए है, जैसे वी डोंट कट ग्रीन ट्री, हमें हरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। इस वाक्य में जब पहचान की जाएगी ये वाक्य का कर्ता, वाक्य की सहायक क्रिया, नकारात्मक शब्द, मुख्य क्रिया प्लस ये कर्म, लेकिन कर्म वास्तव में व्यक्तिवाचक या वस्तुवाचक हो सकता है। इस वस्तुवाचक से पहले इस वाक्य में कोई विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द दिया हुआ है, इसीलिए इस वाक्य में पूरा कर्म ग्रीन ट्री ही माना जाएगा, हरा पेड़। ऐसे वाक्य जहाँ किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताई गई हो, उस विशेषता को भी साथ में ही प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात वाक्य बनेगा
ग्रीन कल आपको बताया गया था यदि वाक्य में साइकिया डू डज आई हुई है तो इन्हें नहीं लगाया जाता है, इनके स्थान पर वाक्य में हमेशा सारणी की साइकिया प्रयोग की जाती है। वहां पर आपको पता लगेगा यदि वाक्य में डू साइकिया है तो उसके साथ इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा। अब वाक्य में कर्ता कर्ता है ग्रीन ट्री, हरा पेड़, ये एक वचन है, एक वचन के साथ एक वचन क्रिया इज नॉट मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म कट बाई कर्ता को कर्म विकास। आगे ऐसा वाक्य है एक ऐसा वाक्य जहां वाक्य को आगे बढ़ाकर बताया गया है। जैसे आई फॉरवर्ड हिम टू गो दियर, वाक्य को पहचानने में गलती नहीं होनी चाहिए, वाक्य को सही ढंग से पहचाने। कर्ता सहायक क्रिया वाक्य में नहीं है, मुख्य क्रिया कर किसी भी प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ वाक्य जो आगे मुख्य क्रिया से जोड़ा गया है, अर्थात ये शेष वाक्य। वाक्य को पहचानने में गलती नहीं करनी है। कर्म को कर्ता हिम का ही वाक्य की सहायक क्रिया वाक्य में नहीं है, सारणी की सहायक क्रिया वाक्य को देखकर अर्थात मुख्य क्रिया को देखकर, मुख्य क्रिया या सेकंड फॉर्म, तो वाक्य में सहायक क्रिया वाज्यवर्थ कर्ता ही है, एक वचन इसलिए वाज फॉरवर्ड। भाई कर्ता कर्म आई कमी प्लस शेष बचा हुआ वाक्य है, इसी जो के यूं से जोड़ दिया जाएगा गो दिया। तो दोस्तों आपने ये देखे साधारण वाक्य, ऐसे साधारण वाक्य जो केवल कहीं पर कोई विशेष बातों से जुड़े हुए नहीं थे, सामान्य से वाक्य थे, कर्मतक। इसके अतिरिक्त वाक्य को प्रपोजिशन या आर्टिकल से जोड़कर या फिर वाक्य में कोई संबंध वाचक शब्द लगाकर ऐसे वाक्य। अब हम अध्ययन करेंगे ऐसे वाक्यों का जहां दो कर्म पाए जाते हैं, अर्थात डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, दो कर्म वाले वाक्य।
दो क्रम वाले वाक्यों में पहचान, इन वाक्यों में दो क्रम आते हैं। आते हैं कर्म व्यक्तिवाचक, और एक कर्म वस्तुवाचक। अर्थात 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 वाक्य में दो कर्म, जैसे वाक्य में ये वाक्य पहचान के दृष्टिकोण से वाक्य में देखेंगे, मुख्य क्रिया के बाद कर्म, ये व्यक्तिवाचक, ये कर्म वस्तुवाचक। जब वाक्य में दो कर्म आएंगे तो वाक्य को लगभग थोड़ा सा सामान्य वाक्य, थोड़ा सा इनमें परिवर्तन किया जाता है, और ये परिवर्तन आप ये फॉर्मूला जो है उनके तरीके से देख सकते हैं। नंबर एक, वस्तुवाचक वाचक कर्म से वाक्य बनाना। इसका जो फॉर्मूला रहेगा, वस्तुवाचक कर्म को कर्ता प्लस वाक्य की सहायक क्रिया प्लस सहायक क्रिया प्लस या थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस व्यक्तिवाचक कर्म प्लस वाई प्लस कर्ता को कर्म प्लस से।
इसी वाक्य को देखते हैं। आई गैव हिम ए न्यू बुक कर्ता मुख्य क्रिया कर्म एक विशेषता वाली न्यू दूसरा विशेषता बुक पुस्तक कर्म वस्तु कर्म ये था व्यक्ति वस्तु वस्तुवाचक कर्म को करता ए न्यू बुक सहायक क्रिया वाक्य में नहीं है कारणी की सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के आधार से मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म होने पर वाज यावर ए न्यू बुक इसका मतलब वाज प्लस थर्ड फॉर्म गेव की गिवन प्लस टू प्लस जो व्यक्तिवाचक कर्म है वो यो हेम प्लस बाई कर्ता को कर्म आई का मी यदि कुछ शेष होता तो उसे हम बाई से पहले भी ले सकते थे और बाई के बाद भी। नंबर टू व्यक्तिवाचक कर्म से वाक्य बनाना का फॉर्मूला व्यक्तिवाचक कर्म को करता प्लस वाक्य की सहायक क्रिया प्लस करने की सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म दोनों में जो मूल अंतर है वह यहीं पर है। प्लस वस्तुवाचक से बनाते समय वाक्य में टू लगाया जाता है, व्यक्तिवाचक से बनाते समय वाक्य में कोई भी जोड़ने वाला सब कनेक्टर नहीं लगाया जाता है, केवल वाक्य को जोड़ दिया जाता है। वस्तुवाचक कर्म प्लस भाई प्लस कर्ता को कर्म प्लस इस वाक्य वाक्य को देखेंगे, यही वाला वाक्य बनाकर देखते हैं एक बार। आई गेव हिम ए न्यू बुक वाक्य व्यक्तिवाचक से बनाना है, कर्म को करता उनका ही वाक्य में सहायक क्रिया कोई नहीं है,
मुख्य क्रिया को देख करके वाच मुख्य क्रिया परफॉर्म गिवन, वहां पर वाक्य को टू से जोड़ा गया था या डायरेक्ट वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। ए न्यू बुक बाई मी। वाक्य एक और वाक्य को गुण के अनुसार ये वाक्य जिस भी कर्म से वाक्य को बनवाएगा, या तो वाक्य की शुरुआत बना कर देगा या वह वाक्य में बता दिया जाएगा कि किस वाक्य से आपको वाक्य बनाना है। ठीक, देव मी ए प्रिवार्ड, वाक्य बना हुआ वह वाक्य आएगा। वस्तुवाचक से आपको वाक्य बनाना है तो ए रिवार्ड। वाक्य में ए रिवार्ड से वाक्य को बनाया गया है। वाक्य में सहायक क्रिया देखेंगे कोई नहीं, मुख्य क्रिया के आधार से सहायक क्रिया बनाएंगे। सेकंड फॉर्म ए रिवार्ड तो वाच, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म बना देंगे गिवन। वस्तुवाचक से बनाया गया है इसलिए जोड़ते समय तो जो कर्म था व्यक्तिवाचक उसे यूं कहता हूं। उसके बाद भाई कर्ता कर्म बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप साधारण वाक्यों को बनाना सीख चुके हैं, बनाइए, कोशिश कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो बात समझ में नहीं आती है उसे पूछने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, श्री राधा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है।